मुझे नशा है तुम्हें याद करने का, इश्क आखरी है तू, और ये नशा मैं सरेआम करता हूँ, मेरी जिंदगी है तू। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की वीडियो ऋषभ खान की है। ऋषभ फिलहाल में सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ऋषभ वायरल तो हैं, लेकिन लोगों का इनकी तरफ एक क्वेश्चन भी रहता है। वो क्वेश्चन ये है कि ऋषभ लड़का है या लड़की? लेकिन ऋषभ ने अपने बारे में आज तक रिवील नहीं किया है। क्या सच में ऋषभ लड़की हैं या फिर लोग इनकी झूठी अफवाह फैला रहे हैं? वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है जतिन तोमर। आज के वीडियो में हम आपको ऋषभ की सारी कहानी बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फैक्ट्स। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने। ऋषभ का फुल नेम ऋषभ खान है। इनका जन्म 6 जनवरी 2003 को राजस्थान के कोटा की एक छोटी सी जगह महावीर नगर में हुआ। ऋषभ के घर वाले आज भी इन्हें प्यार से रज्जू कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, रज्जू ऋषभ का निकनेम है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये छोटा नवाब के नाम से भी फेमस है। ऋषभ की फैमिली में इनके मॉम डैड, एक भाई और इनकी एक बहन है। ऋषभ के पिता का नाम अब्दुल गफूर है। ऋषभ को बचपन से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी। अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद ऋषभ ने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया। टिकटॉक पर शुरुआत में काफी लोग ट्रेंडिंग में चल रहे थे। इसी आस में ऋषभ ने भी सोचा कि शायद मैं भी टिकटॉक पर वायरल हो सकता हूँ। उसके बाद इन्होंने टिकटॉक पर वीडियो डालना शुरू कर दी। ओके, बाहर में गई एग्जाम एग्जाम, ये पढ़ाई वढ़ाई के कैरेक्टर में अपन शूट नहीं करता है। शुरुआत में इन्हें टिकटॉक से ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इनकी वीडियो वायरल होती रही। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। ऋषभ की टिकटॉक पर जब वीडियो वायरल हुई तो लोगों के मन में एक ही सवाल था। वो सवाल ये था कि ऋषभ लड़का है या लड़की। इसी तरह ये सवाल लोगों के मन में चलता रहा और ऋषभ लगातार टिकटॉक पर वायरल होते रहे। ऋषभ जब टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे तब इन्हें एक लड़की का साथ भी मिला। उस लड़की का नाम था शिवानी सिंह, लेकिन शिवानी सोशल मीडिया पर साइना खान के नाम से फेमस थी। उस समय ऋषभ और साइना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बताए गए, और आज भी लोगों का यही मानना है कि ऋषभ और साइना एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्या सच में ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं या फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं? मेरी बात तो सुनो आयशा। आयशा, ऐसे भी क्या आफत आ गई? मेरी गलती तो बताओ, मेरी गलती क्या है? आयशा, हम बैठ के बात कर लेते हैं। आयशा आयशा, बीड़ी के पैसे तो दे जाओ आयशा। ऋषभ को लोग लड़की भी बताते हैं, तो क्या ऋषभ का असली नाम रज्जू ही है? लेकिन दोस्तों, ऋषभ लड़का हो या लड़की, लेकिन अब उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी पहचान बना ली है। ऋषभ ने अभी तक अपने आप को रिवील नहीं किया है, लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पर ऋषभ को अपनी सारी जानकारी दे देनी चाहिए। बहुत सी लड़की हैं जो सोशल मीडिया पर लड़का बनकर फेमस हुई हैं, उनमें से एक नाम ऋषभ का भी आता है। अगर बात करें इनके फैन फॉलोइंग की, तो ऋषभ के टिकटॉक पर 4.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे, लेकिन जब टिकटॉक बैन हुआ तो ये इंस्टाग्राम से जुड़ गए और ये रील्स पर अपनी वीडियो डालने लगे। मेरे दोस्त के पेट में चूहे कूद रहे थे, मैंने चूहे मारने वाली दवाई दे दी, 2 घंटे से आराम से सो रहा है, थैंक्स भी नहीं बोला आराम खोर ने। भलाई का कोई जमाना ही नहीं। इंस्टाग्राम पर ऋषभ को अच्छी शुरुआत मिली। आज ऋषभ के इंस्टाग्राम पर 3,38,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। इनका यूट्यूब चैनल छोटा नवाब के नाम से है, जिस पर इनके 3K से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। छोटा नवाब के नाम से फेमस हुए ऋषभ आज इंस्टाग्राम पर धूम मचा रहे हैं। अगर बात करें इनके फेवरेट थिंग्स की, तो इनके फेवरेट एक्टर वरुण धवन और शाहरुख खान हैं, और इनकी फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हैं। ऋषभ के फेवरेट सिंगर मिलन गावा हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ लोग कहते हैं वो मेरे अपने हैं, ऐसा नहीं है ब्रो, अगर होते तो यहाँ वहाँ बुराई नहीं करते। ऋषभ खान की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो में। जय हिंद। सुनो, तुम्हारे घर पे कौन कौन है? मेरे घर में तो वैसे सब है, बस तुम्हारी कमी है। सच में? हाँ, मम्मी ने कही है एक भाई मिल जाए तो मजा आ जाए। पगार वगार बता दो अभी। आँखों आँखों में वो लाखों गल्ला।
मर गया और अब मैं तो मर गया।